ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। जी हां, वक्त हो चला है 3 बजे की तीन बड़ी खबरों का। सबसे पहली खबर पर रुक करते हैं। भाजपा में चल रहे विवादों पर सबसे ज्यादा चुटकी अखिलेश यादव ले रहे हैं, लगातार ट्वीट पर ट्वीट भी कर रहे हैं। बता दें, यूपी बीजेपी में अंदरूनी कलह का आरोप लगा चुके सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर कांवड़ यात्रा पर जारी फरमान पर भी निशाना साधा है, जिस पर भाजपा के नेताओं का बयान आना और पलटवार भी शुरू हो गया है। बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रियों के लिए बड़ा कदम उठाया है। दंगा पूरे उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्गों पर खाद्य पदार्थों की दुकानों पर नेम प्लेट लगानी होगी। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि कांवड़ यात्रियों की आस्था की पवित्रता बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। जिस फरमान में सीएम ने यह भी कहा है कि हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पाद बेचने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले पर उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से ये स्वागत योग्य कदम है और लोगों के बीच आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़े इस भावना के साथ सरकार ने यह आदेश जारी किया है। इस आदेश में यह नहीं कहा गया है कि किसे कहां से सामान खरीदना है, जो जहां से चाहे वहां से सामान खरीद सकता है। जिसके बाद भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि एक समिति प्रशासनिक दिशा निर्देश के कारण इस तरह का असमंजस हुआ था। मुझे खुशी है कि राज्य सरकार ने जो भी सांप्रदायिक भ्रम पैदा हुआ था उसे दूर किया है। मेरा यही कहना है कि इस तरह के विषयों पर किसी को सांप्रदायिक भ्रम फैलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यह किसी मुल्क, मजहब, मानवता के लिए अच्छा नहीं है। जिसके बाद उन्होंने अखिलेश यादव के बयान का जवाब देते हुए कहा कि आस्था का सम्मान और आस्था की सुरक्षा पर सांप्रदायिक सियासत नहीं होनी चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने भी कहा कि यह ठेले वालों का विषय नहीं है। कांवड़ मार्ग पर जो लोग हरिद्वार और गोमुख से जल लेकर के 250 से 300 किलोमीटर की यात्रा करके अपने गंतव्य की ओर जाते हैं। हमने जिला प्रशासन से आग्रह किया था कि जो लोग हिंदू देवी देवताओं के नाम पर ढाबा और होटल चलाते हैं, उनमें ज्यादातर लोग मुस्लिम समुदाय से होते हैं, जिस कांवड़ कांवड़ियां उनकी दुकानों पर जाते हैं, खाते हैं और नॉनवेज बेचते हैं, यानी दुकान का नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर और वहां नॉनवेज बेचा जाता है, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए और उनके नाम की पहचान होनी चाहिए। देखिए क्या कुछ पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा है। निश्चित रूप में ये स्वागत योग्य कदम है और कदम के पीछे भावना लोगों का आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़े और एक समन्वित भाव से लोग अपना त्यौहार मना सकें, इस भावना के साथ सरकार ने ये आदेश जारी किया है। इस आदेश में अगर आप देखो तो उन्होंने ये नहीं कहा कि किसको कहां से दुकान खरीद से सामान खरीदना है, जो जहां से चाहे वहां से वो सामान खरीद सकता है। अभी तक ये सामान्य प्रक्रिया आपने पूरे उत्तर प्रदेश में देखी होगी कि लोग अपनी दुकानों का नाम लिखते हैं और मैं समझता हूं दुकान के नीचे लगभग 40-50% लोग अपने प्रोप्राइटर का नाम भी लिखते हैं। मैं समझता हूं कि जो संविधान की व्यवस्था है उसमें धार्मिक आस्था का सम्मान और संरक्षण का जो भाव दिया है उसके अंतर्गत ये एक बेहतर प्रयत्न है संविधान के धार्मिक भावना के संरक्षण की भावना का। और इसमें अगर आप देखोगे 2013 में एक छोटी सी बात पर दंगा हो गया था और मुजफ्फरनगर में कि एक दुकान से उन्होंने सामान खरीदा, वो किसी और नाम से, किसी हिंदू धार्मिक नाम से था और वो दूसरे समुदाय का व्यक्ति उस दुकान में खाने का सामान बेच रहा था और उसमें जो तमाम प्रकार आपत्तिजनक जो लहसुन था, प्याज था या कुछ और चीजें उसमें मिली हुई थी और उस व्यक्ति ने जब खाया उसको पता चला तो उसका व्रत टूट गया है, तब उसने बवाल उसने चिल्लाना शुरू किया और काफी बड़ा दंगा हो गया था। इस प्रकार की घटनाएं ना हो, आप देखो तो एक विधिक प्रक्रिया भी है कि लोग अपनी चीज को छदम नाम से नहीं बेच सकते, दुकान का नाम भी वो वास्तविक दूसरे नाम से नहीं रख सकते,
अगर जो नाम वास्तविक उनका है उसी को वो प्रदर्शित कर सकते हैं। कभी कभी लोग अपनी सेल को बढ़ाने के लिए दूसरे नाम लिख लेते हैं। अब आप उम्मीद करें कि मानो बजरंग ढाबा लिखा है और बजरंग ढाबा में वहां पर मांस मिल रहा है, तो लोग निश्चित रूप में इस पर आपत्ति करेंगे। हिंदू और मुसलमान मिलकर चले, यहां पर रामलीला होती है तो मुस्लिम लोग पानी पिलाते हैं, लोग पीते हैं, और जब ईद होती है तो हिंदू लोग उनके स्वागत में सभी लगाते हैं, इसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन जो व्रत त्योहार, जो कांवड़ यात्रा के कुछ नियम और संयम है, उन नियम संयम का उल्लंघन ना हो, क्योंकि वो नंगे पैर चलते हैं, सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा को वो कई दिन चल के व्रत रखकर पूरा करते हैं। अगर खान पान जो प्रतिबंधित है उनके शास्त्रों में, उसके अनुसार अगर कोई आपत्ति आती है तो नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूं इस नियत से ये निर्णय एक स्वागत योग्य कदम है। एक सीमित एडमिनिस्ट्रेटिव दिशा निर्देश के आधार पर कुछ किस तरह का कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था, और मैं इस बात की खुशी है कि राज्य की सरकार ने सारे कम्युनल कंफ्यूजन को क्रिएट जिन लोगों ने किया था उसका समाधान किया है। और जहां तक सवाल है आस्था का, कांवड़ यात्रा की आस्था का, उसके श्रद्धा और उसके सम्मान का और उसकी सुरक्षा का, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और उसके साथ ही साथ मेरा ये भी कहना है कि इस तरह के विषयों पर किसी तरह का कम्युनल कन्फ्यूजन क्रिएट करने की किसी को भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। इस तरह के कम्युनल कन्फ्यूजन न तो किसी मुल्क के लिए अच्छे हैं, न किसी मजहब के लिए अच्छे हैं, न मानवता के लिए अच्छा है। कि मैं खुद कांवड़ यात्रा लेकर के बहुत बार गया हूं, और इस दौरान एक चलन सा कई जगह पर देखने को मिला और कई कांवड़ यात्रियों की शिकायतें मिली कि साहब ये इस तरह का चीजें दे रहे हैं, इस तरह की चीजें दे रहे हैं, तो उसमें आप जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो। आपको अच्छा लगता है कि आप उसके यहां से लेना है, आपको अच्छा लगता है कि उसके यहां से नहीं लेना है, तो उसमें क्या। ये तो देखिए आस्था का सम्मान और आस्था की सुरक्षा पर जो है वो सांप्रदायिक सियासत नहीं होनी चाहिए। सर लेकिन देखिए फल ठेलो वाला विषय नहीं है, विषय कांवड़ मार्ग पर जो लोग गौमुख से हरिद्वार से जल्ले करके 250-300-400 किलोमीटर की यात्रा करके अपने गंतव्य की ओर जाते हैं, तो उन सब के लिए बड़ी समस्या, सब बाहर के पूरे हिंदुस्तान के लोग होते हैं और उन सबको इस मार्ग से गुजरना पड़ता है। तो हमने ये आग्रह जिला प्रशासन से हमने किया था कि ऐसे सब लोग जो हिंदू देवी देवताओं के नाम पर अपने ढाबे होटल चलाते हैं और अधिकांश के मुस्लिम समाज के लोग होते हैं, उनमें कांवड़िए उनकी दुकानें बैठते हैं, खाते हैं और वो नॉनवेज बेचते हैं, यानी देवी देवता का नाम हिंदू का और बेचते हैं नॉनवेज, उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए, उनके नाम की पहचान होनी चाहिए, ताकि जो कांवड़ यहाँ बैठना चाहे बैठे, हमें ना किसी के नॉनवेज बेचने पर कांवड़ को बिकेगा ही नहीं, कांवड़ का विषय कांवड़ को तो नहीं बिकेगा, पर सामान्य तो भी अगर कोई नॉनवेज बेचता बेचिए, नॉनवेज खाने वाला खाए, पर हिंदू देवी देवताओं के नाम पर दुकान खोल करके नॉनवेज नहीं बेचिए, ये हमने आग्रह किया था। उसी के संबंध में प्रशासन ने कार्रवाई की है। इसमें जिस प्रकार से अन्य पॉलिटिकल लोग, चाहे श्री अखिलेश यादव हों, चाहे ओवैसी हों, जो इसको एक सामाजिक और एक हिंदू मुस्लिम का तूल दे रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है, ये सामाजिक सौहार्द का विषय है कि जिसको जहां मर्जी खाए, जिसको जहां मर्जी बैठे, लेकिन कुछ जानकारी में हो कि मैं कहाँ बैठा हूँ, कहाँ बैठे खा रहा हूँ, उसकी अपनी इच्छा है। पर नॉनवेज हिंदू देवी देवताओं के नाम पर नहीं चलेगा, उसको हम नहीं। निश्चित रूप में ये स्वागत योग्य। रुक करते हैं दूसरी जरूरी खबर पर। हादसाओं का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले हाथरस हादसा हुआ और अब ये भयानक ट्रेन हादसा। बता दें गुरुवार को एक बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। डिब्रूगढ़ चंडीगढ़ एक्सप्रेस पे डिब्बे पटरी से उतर गए थे। वहीं इस दुर्घटना में 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 30 लोग घायल हुए हैं। अब चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के पटरी से उतरने की घटना पर पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि डाउन लाइन पर जो डिब्बे पटरी से उतरे थे उन्हें हटा दिया गया है। बहाली का कार्य तेजी से किया जा रहा है। वहीं लगभग 800 से ज्यादा कर्मी वहां कार्य कर रहे हैं। कई मशीनें भी वहां कार्य कर रही हैं। साथ ही अपलाइन पर जल्द ही ट्रेनों का संचालन शुरू किया जाएगा, जिसके बाद मंडल रेल प्रबंधक आदित्य कुमार ने भी कहा कि रेलवे के करीब 800 लोग बहाली का कार्य कर रहे हैं और आज शाम
तक ये कार्य पूरा होने की संभावना भी है। वहीं ट्रेनें डायवर्ट रूट से चल भी रही हैं। इनको डीजल फिट डिक्लेयर किया गया था, उसके बाद से मैन पावर मशीनरी का मूवमेंट उसे शुरू हो पाया, जिससे डाउनलाइन का रेस्टोरेशन का कार्य शुरू किया गया। और सबसे पहले जो मशीनरी थी उसको एआरटी जो है रेलवे की जो ट्रेन होती है उसको ले जाकर जो डाउनलाइन पे जो कोचेस डिरेल थे उनको ऑफ ट्रैक किया गया और सभी कोचेस को ऑफ ट्रैक कर दिया गया है। रेस्टोरेशन का कार्य तेजी से चल रहा है और लगभग 800 से ज़्यादा कर्मी वहाँ पे लगे हुए हैं जो लगातार कार्य कर रहे हैं। 4 पोकलेन, 4 जेसीबी, हाइड्रा और ढेर सारी मशीनें वहाँ कार्य कर रही हैं। जो टीआरडी का कार्य होता है उसका कार्य किया जा रहा है। अप लाइन को बहुत जल्द फिट डिक्लेयर करके उस पर नॉर्मल ट्रेनों का संचालन शुरू किया जाएगा। डाउन लाइन के लिए जो स्लीपर्स डैमेज थे, रेल की आवश्यकता थी, वो सारी चीज़ें पहुंचाई गई हैं साइट पे और उसका रेस्टोरेशन बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। आज हम लोगों ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है कि 12 बजे तक टीआरडी फिट करके अप लाइन में नॉर्मल ट्रेनों का संचालन शुरू करेंगे और उसके बाद से जल्दी डाउन लाइन का भी रेस्टोरेशन कार्य पूरा करके संचालन शुरू किया जाएगा। सर, कितनी कैजुअल्टी हुई थी और उनको क्या सहानुभूति राशि वगैरह क्या दी गई? जो फाइनल कैजुअल्टी की फिगर है वो 3 है, 3 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और 7 लोग इसमें सिंपल इंजरी हैं, 5 लोग ग्रीवियसली इंजर्ड हैं। तो ये टोटल फिगर है और कल जो अनुग्रह राशि की जो बात कर रहे हैं वो अनाउंस की गई थी। 10 लाख रुपए जो डिसीज्ड हैं उनको एक्स ग्रेसिया अनाउंसमेंट किया गया था, 2.5 लाख रुपए ग्रीवियसली इंजर्ड और जो सिंपल इंजरी के लोग हैं उनको 50,000, तो ये राशि भी दी जा रही है कॉमर्शियल डिपार्टमेंट द्वारा। अभी जो फाइनल फिगर हम लोगों के पास आई है और ऑथेंटिक वो यही है जो मैंने आपको बताया है, 3 डेड, 5 ग्रीवियसली इंजर्ड एंड 7 सिंपल इंजर्ड। अभी कितने ट्रेन प्रभावित हैं सर? अभी ट्रेनों का डाइवर्सन हम लोग लगातार कर रहे हैं। कल जो भी ट्रेनें थी उनको डाइवर्टेड रूट पे हम लोगों ने चलाया है और उसको लेकर बुलेटिन जारी किया है। आज भी जो ट्रेनों का डाइवर्सन होगा उसको किया जाएगा। हम लोग बहुत तेज़ी से कार्य कर रहे हैं कि 12 बजे से अप लाइन नॉर्मल रूप से टीआरडी फिट हो जाए, जिससे कि ट्रेनों का नॉर्मल संचालन मेन लाइन से शुरू हो सके। तो इसके लिए जैसा मैंने बताया कि 800 से ज़्यादा कर्मचारी वहाँ पे कार्य कर रहे हैं, साइट पे मशीनरी लगी हुई है और लगातार रात से ही लगातार कार्य चल रहा है और सभी जो रेल कर्मी हैं साथ ही साथ जो कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मी हैं सभी लोग साइट पर कार्य कर रहे हैं। क्या घटना का कारण कुछ पता चल रहा है? इसके लिए हाई कमेटी ऑर्डर हुई है जो इस पे जांच करेगी और इसका रिपोर्ट देगी। सर, लोको पायलट ने तेज आवाज़ सुनी थी, इसको लेकर क्या कहेंगे? जो भी अभी देखिए पूरी घटना की जांच का जिम्मा ऑलरेडी हाई पावर कमेटी को दे दिया गया है, कमेटी इस पे जांच करेगी और इसके बारे में डिटेल रिपोर्ट देगी। सर, जो पीड़ित थे क्या अभी चले गए सारे लोग की अभी कुछ लोग अभी गोंडा हॉस्पिटल में एडमिट हैं जिनका इलाज चल रहा है और लेकिन जितने जो यात्री थे इसमें और उनको रात में हम लोगों ने स्पेशल ट्रेन चलाई थी और स्पेशल ट्रेन के माध्यम से उनको उनके गंतव्य स्थान पर भेजा गया। क्या लगता है कि कब तक पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी? देखिए वहाँ पर रेस्टोरेशन का कार्य अभी चल रहा है और हम लोगों का पूरा फोकस है कि सबसे पहले जो है अप लाइन को टीआरडी फिट करके वहाँ ट्रेनों का संचालन शुरू कर सकें, उसके बाद से डाउन लाइन पर चूँकि वहाँ पे स्लीपर और रेल्स डैमेज हुए हैं तो उनके लिए मटेरियल वहाँ पे पहुँचा दिया गया, उनको बदलने का कार्य चल रहा है। जो टीआरडी का कार्य है, बिजली का कार्य, वो भी चल रहा है। तो तेज़ी से इस कार्य को पूर्ण किया जाएगा और जल्द से जल्द वहाँ पर ट्रेनों का नॉर्मल संचालन शुरू किया जाएगा। बहुत सारी ट्रेनें प्रभावित हैं तो ऐसे में यात्रियों को क्या मैसेज देंगे सर? ट्रेनें डाइवर्ट की जा रही हैं और डाइवर्ट करके हम लोग ट्रेनों को चला रहे हैं, सभी को मैसेज बल्क मैसेजिंग भी करवा रहे हैं और साथ ही साथ जो है जो हमारे स्टेशन हैं वहाँ पे अनाउंसमेंट भी लगातार चल रहा है, प्रेस रिलीज के माध्यम से, सोशल मीडिया ऑफिशियल पेज जो हमारे हैं उसके माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से सभी को सूचना दी जा रही है। पूरी रेलवे के करीब 700-800 लोग बहाली को लगे हुए हैं और कल दोपहर से ही लगे हुए हैं और मेरे ख्याल से आज शाम तक हम पटरी फिट करने के लिए। कितना दूरी की ट्रैक जो पड़ा था जो बिल्कुल ध्वस्त हो गया? 500 मीटर ट्रैक पूरा ध्वस्त हो गया।
कितनी ट्रेनें प्रभावित हैं अभी इससे और कब तक बहाली की उम्मीद है? नहीं, ट्रेनें तो डायवर्टेड रूट से जा रही हैं, कुछ ये है, पर ये अभी हम शाम तक कुछ ट्रेनें निरस्त भी की गई थी, शाम तक हम करा। जैसे अपलाइन की बात की गई कि इसको रिस्टोर किया गया, लेकिन अपलाइन पे भी ट्रेन नहीं चल पा रही है, क्योंकि अभी इसमें आप जैसे देख रहे हैं इस पर भी हम रिस्टोरेशन की सामग्री ला रहे हैं, इस कारण से इसको हम अभी नॉर्मल ट्रेनें नहीं चला रहे हैं। अपलाइन पर कब तक एक लाइन पर कब तक बहाल हो पाएगी? ये तो अभी 3-4 घंटे में हो जाएगी, जैसे ही हम सामग्री पूरी आ जाएगी, ये हमारा जो बिजली की तारें ऊपर वाली 2-3 घंटे लगते हैं उसको करने में। सर कितनी मौत हुई है? 3 का खबर है, 3 को डीजल फिट डिक्लेयर किया गया। रुक करते हैं तीसरी और इस जरूरी खबर की ओर। भारतीय प्राकृतिक कृषि प्रणाली कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गज भी पहुंचे। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्राकृतिक खेती पर आधारित भारतीय प्राकृतिक खेती प्रणाली कार्यक्रम में कहा कि आज की आवश्यकता उत्पादन को बढ़ाना है, साथ ही जो व्यक्ति इसका उपयोग करे उसके लिए यह लाभदायक भी हो, ऐसा हमें प्रयास करना है। इस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्य प्रारंभ किया है। वहीं इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने धरती को बचाने, पर्यावरण को बचाने का संकल्प लिया है। रासायनिक खादों के इस्तेमाल के बिना उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, वहीं प्राकृतिक खेती प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प भी है। हम प्राकृतिक खेती के संकल्प को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। दोनों ही मंत्रियों ने आगे क्या कुछ कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। हमारी नदियाँ, हमारे जंगल समाप्त, पानी विषैला, भारी संकट है आज, और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, धरती बचाने का संकल्प, पर्यावरण बचाने का संकल्प, और ऐसे फल सब्जी अनाज कृषि का उत्पादन जो मनुष्य के लिए अमृत के समान, जो शरीर को निरोग रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, ये भी अपने कहा अपने कहा गया है। अगर हम ऐसी चीजें खाएंगे कि जिसमें अनेक प्रकार के कीटनाशक डले होंगे, हम सोच सकते हैं उसका केवल शरीर पे असर नहीं होता, शरीर पे तो होता ही है, उसका मन पे मतलब मनोवृत्ति पे भी असर होता है। इसलिए आज बहुत गंभीरता के साथ ही सोचना है। मैं फिर दोहराता हूँ, अपने वैज्ञानिकों को का मैं अभिनंदन करता हूँ, जो परिस्थितियां थी उसमें उन्होंने बहुत बेहतर काम किया, लेकिन इसके साथ अब ये सोचने की जरूरत है कि उत्पादन बढ़ाते हुए घटाए, और ये हो सकता है आचार्य, अब तो मैं बेताब हूँ, वो कुरुक्षेत्र चलना है, क्योंकि मैंने सुना है देखा नहीं है अब तक, साहि जी मुझे आज और बता रहे थे कि वो पूरी टीम लेके गए थे, क्योंकि आपने प्रयोग करके दिखाए बिना केमिकल फर्टिलाइजर के उत्पादन भी बढ़ाया जा सकता है और गुणवत्ता तो अद्भुत होती है। अब मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, साहिब जी कह रहे थे कि आपके यहाँ जो फल है सब्जियां उनका स्वाद उनकी सुगंध बिल्कुल अलग हो गई, तो ये प्रयोग करके बैठे, ये केवल सैद्धांतिक विचारक नहीं है, इनने अपनी 200 एकड़ जमीन में कुरुक्षेत्र में जो प्रयोग किए हैं आज वो हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करेगा, और इसलिए अब समय आ गया है। प्रधानमंत्री जी की तरफ मैं जानता हूं, उनके मन में संकल्प है कि किसी भी कीमत पर धरती को बचाना चाहिए। जब मैं मुख्यमंत्री था तो उन्होंने मुझे कहा था कि एक ऐसी नाटिका बने कि जिसमें जिसका मंचन करें, जिसमें धरती माँ कह रही मुझे बचाओ, कितना केमिकल डालोगे, कितना फर्टिलाइजर डालोगे, तो धरती माता को भी बचाना है, धरती बचेगी तो हम बचेंगे, मनुष्य को भी स्वस्थ रखना है, और इसलिए प्रधानमंत्री जी का यह संकल्प है प्राकृतिक खेती, और कृषि मंत्री के रूप में इस संकल्प को आपके साथ मिलकर पूरा करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे हम लोग, और करेंगे तो होगा, दुनिया में असंभव कुछ है ही नहीं। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे मनुष्य केवल 3.5 हाथ का हर मास का पुतला थोड़ी है,
वो ईश्वर का अंश है, अमृत का पुत्र है, अनंत शक्तियों का भंडार है, हमारा आनंद का भागी है। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं जो वो ना कर सके। अब ठान लिया तो ये होगा, इसलिए हमारा भी शुभ संकल्प और शिव संकल्प है कि प्राकृतिक खेती को समझा के कन्विंस करके हम उस कैबिनेट नोट को अंतिम स्वरूप दे रहे हैं। आपके सबके परामर्श से ही उसको फाइनल करेंगे। एक व्यापक जागरूकता का अभियान, किसानों के बीच जो सच्चाई है, जो तथ्य है, वो सारे देश के किसानों के सामने रखने के, हम कम से कम 1 करोड़ किसानों तक जाए जिनको प्राकृतिक खेती की विशेषता है और आज की समस्या उससे अवगत कराएंगे। हम कोशिश करेंगे उनमें से कन्वेंस होकर कम से कम 18 लाख किसान ऐसे निकले जो प्राकृतिक खेती करने का संकल्प लें। और प्राकृतिक खेती मतलब पूरे खेत में नहीं, प्रधानमंत्री जी भी ये नहीं, आपके पास 5 एकड़ जमीन है तो 1 एकड़ में करें, आपके पास 2 एकड़ है तो आप आधे एकड़ में करें, कहीं से तो शुरू करें। बाकी में आप करते रहे जो खेती आज कर रहे हैं, लेकिन अपने जमीन के एक हिस्से पर हम प्राकृतिक खेती के प्रयोग शुरू करें। और एक और प्रयोगशाला बनेगी, हमारे कृषि विश्वविद्यालय योगी जी बता रहे थे, एक कृषि विश्वविद्यालय को प्राकृतिक कृषि के लिए विश्वविद्यालय के रूप में ही बनाएंगे, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। हमारे कृषि विश्वविद्यालय, हमारे कृषि महाविद्यालय एग्रीकल्चर कॉलेज और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र, इनको हम प्रयोगशाला बनाने की दिशा में काम करेंगे ताकि ये प्रकाश स्तंभ का काम करे बाकी लोगों के लिए। और उसके साथ साथ वो प्राकृतिक खेती करने वालों के किसान के जो खेत है वो भी प्रयोगशाला होंगे, भावी दूसरों को सिखाएंगे, जो प्राकृतिक खेती अपनाएंगे उनको विधिवत प्रशिक्षण देने का काम करेंगे कि आज की आवश्यकता है, उत्पादन भी बढ़ाना है लेकिन साथ साथ वह जो व्यक्ति इसका उपयोग करे उसके लिए यह लाभदायक भी हो। इसमें हम लोगों को एक नए प्रयास को आगे बढ़ाना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दिशा में कार्य प्रारंभ किया है। हमारे पास उत्तर प्रदेश के अंदर 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं, एक 5वां विश्वविद्यालय भी हमारा कृषि विश्वविद्यालय का बनने जा रहा है। हमारे पास 89 कृषि विज्ञान केंद्र भी हैं और 2 केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित हैं। इन सभी कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से कृषि विज्ञान केंद्र और हर जनपद में मंडी समिति को भी हम लोगों ने कह रखा है कि प्राकृतिक खेती से जो भी प्रोडक्ट आता है, जो भी खाद्यान्न आता है, उसके सर्टिफिकेशन के कार्यक्रम को हम लोगों को आगे बढ़ाना है और 20 से इसकी शुरुआत होनी चाहिए और फिर जब वह बाजार तक पहुंचे तो उसको तत्काल सर्टिफिकेशन के साथ जोड़ करके अच्छा दाम मिले। उसके लिए हर मंडी में इसके लिए स्टोर बनाइए, वहां से इसका दाम मिले, इसका प्रचार प्रसार हो और कुछ जगह हम लोगों ने प्रारंभ किया है।